Good morning, students. Today we are going to do grammar revision. Grammar revision for FA3. First, you have to write in your left corner classwork and today's date 4/2/2021. Give heading, choose the correct option. C-H-O-O-S-E, choose T-H-E, the. Correct, C-O-R-R-E-C-T, correct. O-P-T-I-O-N option. Choose the correct option. यहाँ पे आपको जो blanks दी है, उसमें से आपको कोई एक option, जो सही option है, वो tick करना है, okay? Number one, the sun. यहाँ पे M is R की blank दी है, आपको जो सही है, आपको पता है, is कब आता है, R कब आता है, M कब आता है, okay? जब I का friend always A-M, M होता है, right? तो I के साथ always A-M, M आता है. और जब एक से ज्यादा की बात हो रही है, like we है, you है, they है, तो उसके साथ always A-R-E, R आता है. क्योंकि they मतलब कोई भी एक से ज्यादा person की बात हो रही है, okay? More than one की बात हो रही है, इसीलिए we मतलब हम सब की बात हो रही है. तो हम सब यानी कि एक से ज्यादा हुए, तो उसके लिए भी A-R-E, R use होगा, okay? और is is जब कोई एक person की बात हो रही है, जब कोई एक thing की बात हो रही है, only one, तब हम use करते हैं is is, okay? देखते हैं number one, the, sun, sun, the sun, blank, shining, 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 the sky, 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 the sun, blank, shining in the sky, यानी sun sky में shine करता है, okay? तो the sun क्या है? The क्यों लगा? क्योंकि वो एक ही है, पूरे world में एक ही sun होता है, okay? तो उसके लिए हम use करते हैं the, इसीलिए आगे लगा the sun, okay? तो the sun यानी कि एक ही sun है यहाँ पे, पूरे world में एक ही sun है, तो उसके साथ a r e r आएगा कि i s is आएगा, एक ही है, तो i s is आएगा, so put a tick on option b, i s is. So क्या होगा? The sun is shining in the sky, right? Number two, they, they. यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या आएगा, is या are. They यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, they यानी कि more than one, okay? So एक से ज्यादा किसी चीज के लिए हम use करते हैं एक से ज्यादा, तो उसके साथ हम use करेंगे a r e r, okay? So they are wagging यानी कि वेगिंग यानी कि पूंछ हिलाते हैं, जैसे डॉग्स कैसे अपने पूंछ हिलाते हैं, एस 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 दे आर वेगिंग देयर टेल्स, यानी कि एक से ज्यादा है, इसलिए हम आई आर तो हम टिक करेंगे बी पे, ए आर ई आर, दे आर वेगिंग देयर टेल्स, मतलब वो अपनी पूंछ हिला रहे हैं, ओके. नंबर थ्री, वीना, वीना यानी कि एक ही लड़की की बात हो रही है, एक ही लड़की का नेम है यहाँ पर, सो वीना, वीना मतलब गर्ल है, एक ही गर्ल की बात हो रही है, इसलिए आएगा आई एस इज, सो टी ऑन बी, आई एस इज, वीना इज लाफिंग, लाफिंग यानी कि जोर जोर से जब हंसते हैं तो उसको बोलते हैं लाफिंग, वो लाफिंग, लाफिंग लाफ क्यों नहीं है, पीछे आई एन जी है, क्योंकि वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए, ओके, वो एक्शन जो हो रही है वो अभी कंटिन्यू हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, इसीलिए पीछे लगा आई एन जी, सो वीना इज लाफिंग, ओके. वीना के साथ आई एस इज आया क्योंकि वो एक ही लड़की है, एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है, इसीलिए, ओके. नेक्स्ट नंबर फोर, द मंकी ब्लैंक ईटिंग अ बनाना, द मंकी यहाँ पे देखो, यहाँ से नहीं पता चला, तो हमें ये नेक्स्ट वर्ड देखना है, मंकी है यहाँ पे, मंकीज नहीं है, मंकीज होता हुआ यानी कि एक से ज्यादा मंकी की बात हो रही है, तो आएगा ए आर ई आर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम ओ एन के ई वाई मंकी है, पीछे एस लगा हुआ है, नहीं, तो हम यहाँ पे आएगा आई एस इज, द मंकी इज ईटिंग द बनाना, मंकी बनाना खा रहा है, ओके. सो हमें टिक करना है बी पे, आई एस इज पे, द मंकी इज ईटिंग अ बनाना, राइट. नंबर फाइव, दिया, दिया यानी कि कोई एक गर्ल का नेम है, और दिया यानी कि एक ही लड़की के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिया ब्लैंक आस्किंग फॉर अ बुक, दिया किसके बारे में पूछ, आस्किंग यानी कि पूछना, तो किसके बारे में पूछ रही है, दिया बुक के बारे में, तो दिया यहाँ पे अकेली है, एक ही लड़की की बात हो रही है दिया की, तो आएगा आई एस इज, दिया इज आस्किंग फॉर अ बुक, दिया
किया बुक के लिए पूछ रही है राइट नेक्स्ट नंबर सिक्स द बोट्स यहाँ पर देखो द बोट्स जी ओ ए टी एस पीछे है यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है एक से ज्यादा गोट्स की बात हो रही है राइट सो द बोट्स ब्लैंक क्रॉसिंग द ब्रिज यहाँ पे बोट्स से यानी कि एक से ज्यादा तो आई एस ई जाएगा या ए आर ई आर यहाँ पे क्या आएगा ए आर ई आर क्योंकि एक से ज्यादा है मोर देन वन द बोट्स आर क्रॉसिंग द ब्रिज राइट नंबर सेवन आई आई का फ्रेंड कौन है ए एम एम ये आपके लिए बहुत इजी है आपको सिर्फ याद कर रखना है आई का फ्रेंड ऑलवेज ए एम एम है तो आई के साथ ऑलवेज ए एम एम ही आएगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना गा रहा हूँ आई एम आई के साथ क्या आएगा ए एम एम सो पुट अ टिक ऑन ऑप्शन ए ए एम एम आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट नंबर एट द पपीज पपीज यानी कि जो डॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग पप्पी ओके और यहाँ पर पप्पीज पी यू डबल पी आई ई एस पप्पीज यानी कि मोर देन वन यहाँ से एक से ज्यादा पप्पीज है ओके तो क्या आएगा ए आर ई आर द पप्पीज आर प्लेइंग हियर मतलब पप्पीज यहाँ पे खेल रहे हैं तो एक से ज्यादा ऐसे भी आया ए आर ई आर द पप्पीज आर प्लेइंग हियर नेक्स्ट नंबर नाइन आई आई का फ्रेंड कौन है ए एम एम आई एम लिसनिंग द सॉन्ग आई ऑप्शन क्या है इज और एम तो आपको लिखना है ए एम एम पे आई एम लिसनिंग द सॉन्ग मैं गाना सुन रही हूँ राइट नंबर टेन मदर मदर यानी कि एक ही मदर यानी कि पर्सन के बारे में बात हो रहा है मदर एक पर्सन है तो यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा है एक ही मदर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे मदर ब्लैंक हगिंग रितु मम्मी रितु को हग कर रही है राइट तो यहाँ पे मदर एक ही बात हो रही है मदर एक ही तो यहाँ पे आएगा आई एस इज मदर इज हगिंग रितु ओके मम्मी रितु को हग कर रही है ओके सो दिस रिविजन यू हैव टू राइट इन इन योर ग्रामर नोटबुक ओके टू टाइम्स वन टाइम इन क्लास वर्क एंड टू टाइम्स इन होमवर्क Okay.